गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर का साइंस पढ़ा रही हूँ जो है चैप्टर थ्री, और जिसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, यानी कि जानवर जो बच्चे जन्म देते हैं। बच्चों, जानवर जैसे टाइगर, कैट, काउ, हॉर्स, कंगारू आदि अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं। तो वे एनिमल्स जो बच्चे जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं वो मैमल्स यानी कि स्तनधारी कहलाते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें मैमल्स ही सबसे विकसित यानी कि डेवलप होते हैं। ये अधिकांश जो मैमल्स होते हैं वो लैंड पर रहते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे लंग से सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, वो एक मैमल्स ही है। अब है कि ये मैमल्स के जो बच्चे होते हैं वे अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। मैमल्स के बच्चे कुछ समय तक अपने माँ के शरीर में ग्रो करते हैं और जो उनकी माँ खाना खाती है उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और जब वे पूरी तरह से उनके शरीर में विकसित हो जाते हैं तो वे अपने माँ के शरीर से बाहर आ जाते हैं। शुरुआत में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे अपने माँ का ही दूध पीते हैं, पर धीरे धीरे वे बढ़ते हैं और अपने आप दूसरी चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। अब है बच्चों कि अर्थ पर कुछ असामान्य मैमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे व्हेल्स और डॉल्फिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि पानी में रहते हैं और बिल्कुल मछली की तरह दिखते हैं, पर ये मैमल्स हैं, ये बच्चे जन्म देते हैं और उनको अपना दूध पिलाते हैं। उसके बाद बैट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बैट यानी कि चमगादड़, वो एकदम बर्ड की तरह दिखता है लेकिन यह भी मैमल है और यह एकमात्र मैमल है जो कि उड़ सकता है। यह भी बच्चे को जन्म देता है और साथ साथ उसको अपना दूध भी पिलाता है। उसी तरह स्पाइनी एंडिएटर, वो क्या है, वो भी एक मैमल है लेकिन यह डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते बल्कि ये अंडे देते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा उन जानवरों के बारे में जो बच्चे को जन्म देते हैं और जिसके अंतर्गत कौन आता है, मैमल्स। तो मैमल्स के बारे में जाना और कुछ असामान्य मैमल्स के बारे में भी हम लोगों ने आज जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।